अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ अब्दुल रजाक। नाइन फिजिक्स में हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ा है। अब हमने इसके रिस्पेक्टिवली कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं जो कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हुए आप लोग करोगे, ठीक है। सबसे पहले है पेज नंबर 46 के ऊपर एग्जाम्पल 2.10 जिसे आज हमें स्टार्ट लेना है। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2.10 given data, a car is traveling at 10 meter per second. Car की initial velocity vi कितनी है? वो है 10 meter per second. यहाँ पे लिखना है इसके साथ initial velocity of car. Accelerates uniformly at 2 meter per second. Here, calculate the velocity after 5 seconds. So time 5 second है, इसके बाद हमें final velocity को calculate करना है. So required is final velocity vf. ठीक है भाई, आप जारी बात है कि यहाँ पे इन इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 है उन्हीं में से कोई एक लगनी है, और जारी बात है यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, और सिर्फ एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिस्टेंस नहीं है, और वो इनिशियल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो वहाँ पे vf इज इक्वल टू vi प्लस at, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो उससे हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, vf इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 5, दैट मीन्स 10 प्लस 10 दैट मीन्स vf इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है इसकी वेलोसिटी। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमें एग्जांपल 2.11 करनी है। क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 80 किलोमीटर ओवर आवर। आप किलो की जगह पर 1000 पुट कर लें, और एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो इस तरीके से आप इसे पुट करें। अब इन जीरोस को इन जीरो से काट दें, क्या बनेगा, ये बनेगा 800 ओवर 36 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 400 ओवर 18 या 200 ओवर 9, क्या बनेगा, ये बनेगा 200 ओवर 9। तो 200 ओवर 9 को अगर सॉल्व करें तो क्या बनता है, ये बनता है 2, फिर 2 रिमाइंडर आएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। फिर उसके बाद है विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। सो vf कितनी है, वो है 20 किलोमीटर पर आवर। अगेन आप इसे लिखिए 20 किलोमीटर ओवर आर, या फिर 20 इंटू 1000 मीटर ओवर 3600 सेकंड, ठीक है। कन्वर्जन कर रहे हैं हम यहाँ पे, इन जीरो को काट दीजिए, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 20 ओवर 36, तो 20 ओवर 36 बनेगा, ऐसे है 200 ओवर 36 बनेगा, तो यहाँ पे ये बनेगा 100 ओवर 18 या 50 ओवर 9, क्या बनेगा, ये बनेगा 50 ओवर 9 मीटर पर सेकेंड। और इसको सॉल्व करेंगे तो जारी बात है क्या बनेगा, ये बनेगा 5.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी है, और पूछा क्या हुआ है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, दैट मीन्स पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है टाइम, तो रिक्वायर्ड इज टाइम टेकन। तो अगेन वही केस है जो हमने थोड़ी देर पहले किया, तमाम टर्म वही है, बस पहले वी एफ फाइंड करना था, अब टाइम को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन वही लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। vf is equal to vi plus at, तो ये बन जाएगा vf is equal to vi, that is 22.22 plus minus 2, क्योंकि sorry initial velocity कितनी है, initial velocity है 22.22 meter per second, acceleration minus 2 है, और time हमें find out करना है, तो time की पहले equation बना लेते हैं। ये बन जाएगा vf minus vi is equal to at, और t क्या बनेगा, ये बनेगा vf minus vi ओवर ए, ठीक है। ए को सिर्फ ले जाके डिवाइड कर दिया, वी एफ की वैल्यू कितनी है, वो है 5.6, इसकी वैल्यू कितनी है 22.22, और एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन है माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से जो टाइम की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 8.3 सेकंड।
example 2.12. Question hai, bicycle accelerates at 1 meter per second square. Acceleration hai 1 meter per second square from initial velocity of 4 meter per second for 10 seconds. Kitne time ke liye accelerate karti hai? 10 seconds ke liye accelerate karti hai. Find distance moved by it during this interval of time. So required kya hai? Required hai distance. Ab bachcho distance ko find out karne ke liye jo equations aapne use karni hai, तो या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी या होगी फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या तो होगा s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 ए टी स्क्वायर, या तो ये यूज करोगे या फिर 2 ए एस इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ये यूज करोगे. वजह क्या है? वजह यह है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो है वो डिस्टेंस मौजूद नहीं है. ठीक है, तो अब चूंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सीलरेशन भी है, तो सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं. क्या बनेगी? s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 ए टी स्क्वायर. इसमें वैल्यूज पुट कीजिए. क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 4, टाइम कितना है 10 सेकंड है, प्लस 1 ओवर 2. एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की. तो यहाँ पे लिखिए 1 और टाइम का स्क्वायर क्या है? वो है 10 का स्क्वायर. इस हिसाब से बनेगा एस इज इक्वल टू 40 प्लस 50. क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 90 मीटर. एग्जाम्पल 2.13. A car travels with a velocity of 5 meter per second. Initial velocity given है VI, वो कितनी है? वो है 5 meter per second. It then accelerates uniformly and travels a distance of 15 meters. Its velocity reaches 15 meter per second. Find the acceleration and time to travel this distance. So required is acceleration and time. आपने choose करना है तीनों equations of motion में से कि कौन सी equation किस काम आएगी. Vf is equal to Vi plus At. S is equal to Vit plus 1 over 2 At square. And 2as is equal to vf square minus vi square. इन तीनों इक्वेशन में से यूज करनी है. टाइम निकालने के लिए अगर मैं ये इक्वेशन यूज करता हूँ तो यहाँ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी, फिर टाइम निकलेगा. ये एक्सेलरेशन का ना भी कहते, सिर्फ टाइम का कहते, तो भी एक्सेलरेशन निकालनी पड़नी थी क्योंकि दोनों जगह पर टाइम के साथ एक्सेलरेशन मौजूद है. लेकिन इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें अगर हम, तो डिस्टेंस vf और vi गिवन है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं. ये बनेगा 2as is equal to vf square minus वी आई स्केयर. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ओवर 2f. सो एक्सेलरेशन इज, वी एफ की वैल्यू कितनी है? वो है 15 का स्केयर, यहाँ पे आएगा 5 का स्केयर, और 2 इंटू डिस्टेंस कितना है? वो है 50 मीटर. तो यहाँ पे 2 इंटू 50 आएगा, 100 बन जाएगा. 15 का स्केयर 225, इसमें से ये निकाले तो 200 ओवर 100 कितनी बनती है? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर की एक्सेलरेशन बनती है. बच्चों आपके पास डिस्टेंस भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है, तो टाइम निकाल सकते हो. टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन भी यूज की जा सकती है और सेकंड इक्वेशन भी यूज की जा सकती है. लेकिन जब भी आपको चॉइस करनी हो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर, तो आपने हमेशा फर्स्ट इक्वेशन को चूज करना है. सेकेंड को क्यों नहीं चूज करना वो भी आपको पता चल जाएगा. भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये बन जाएगी वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, या फिर टाइम का फॉर्मूला बनेगा वी एफ माइनस वी आई ओवर ए. वैल्यूज पुट कीजिए, टी इज इक्वल टू, वी एफ की वैल्यू 15 है, वी आई 5 है और एक्सेलरेशन कितनी है? वो 2 है, तो क्या बनेगा? 5 सेकेंड का टाइम बनेगा. ठीक है, बड़ी आसानी से आपने यहाँ से टाइम निकाल लिया. लेकिन अगर यही काम मैं डिस्टेंस के फॉर्मूले से करूँ, s is equal to vit plus 1 over 2 at square, ठीक है? तो यहाँ पे आप उत्तर कर लेंगे 50, initial velocity 5 है, time निकालना है 1 over 2, acceleration कितनी है 2, और time निकालना है. तो equation क्या बन गई? ये equation बन गई 50 is equal to 5t plus t square.
रीअरेंज करें 50 को इधर ले आए, क्या बनेगा? ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 50। ये इक्वेशन बनी है। अब जारी बात है, नजर आ रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 50 के पेयर्स बनाऊं तो 50 के पेयर्स कौन से बनते हैं? 50 इंटू 1 फिर 25 इंटू 2 ये बनते हैं, और क्या बनता है इसके पेयर्स क्या बनेंगे? और बनेंगे 10 इंटू 5। तो ये वाला पेयर मिड टर्म ब्रेक के लिए यूज कर लेते हैं। क्या बनेगा? ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस प्लस 10t माइनस 5t माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t को कॉमन निकालें, क्या बनेगा? ये बनेगा t प्लस 10। यहाँ से 5 को कॉमन निकालें, क्या बनेगा? t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा या तो t माइनस 5 या फिर t प्लस 5 प्लस 10, इनमें से कोई एक चीज 0 है। अगर t माइनस 5 0 है तो टाइम कितना आता है? टाइम 5 सेकंड आता है। और अगर t प्लस 10 0 के इक्वल है तो t माइनस 10 आता है। अब टाइम माइनस में तो हो नहीं सकता, इसलिए ये वाला आंसर हमारा गलत है और ये वाला आंसर हमारा ठीक है। बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि अगर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हो बावजूद इसके कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अवेलेबल थी, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये वाली इक्वेशन तो पास से मिड टर्म ब्रेक हो गई, लेकिन आपको पता है सारी इक्वेशन मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जिनके पेयर्स ही नहीं बनते होते, तो अगर उनके पेयर्स ना बने और वो मिड टर्म ब्रेक ना हो तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाते हो टी फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 50 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो अगर मुझे x फाइंड आउट करना होता तो कैसे फाइंड करता? ये बनता x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। यहाँ से फाइंड आउट करना था, मिड टर्म ब्रेक ना होते, ठीक है। अब जारी बात है टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बी की जगह पे 5 लिखा, क्या लिखूंगा? माइनस 5 प्लस माइनस, इधर क्या आएगा? इधर आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 1, और सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? माइनस 50, ठीक है, ओवर 2 इंटू ए, दैट मीन 2 इंटू 1। सो टी की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस, ये कितना बन जाएगा? 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना बनता है? ये बनता है 200, और डिवीजन में क्या है? डिवीजन में 2 मौजूद है, तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 225 का अंडर रूट, जो कि 15 होता है। तो भाई टाइम का एक आंसर ये होगा कि आप टाइम माइनस 5 प्लस 15 ओवर 2 कर लें, इससे आंसर कितना आएगा? 10 ओवर 2 5। और अगर आप यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 15 ओवर 2 करेंगे तो टाइम आएगा माइनस 10 सेकंड। तो ऑब्वियसली ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हो तो आपको या तो मिड टर्म ब्रेक करना पड़ेगा या फिर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला को यूज करोगे। तो जारी बात है कि लेंथी काम है, तो अगर आप हिम्मत हो तो कर सकते हो, अदरवाइज बेहतर यही है कि इक्वेशन वो यूज करो जिसमें स्केयर ना आता हो, फर्स्ट इक्वेशन यूज करो सेकंड के बजाय, ठीक है। लेकिन जो तमाम इक्वेशन करेक्ट है उनका डेरिवेशन का मेथड एक ही है, तो इस वजह से तमाम की तमाम जो इक्वेशन है वो सेम आंसर ही देती है, ठीक है। ये हमने बात कर ली। अब जरा आइए पेज नंबर 47 के ऊपर यूजफुल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, कन्वर्जन के कुछ मेथड डिस्कस किए हैं जिनको हमें पढ़ना है। ओके जी, क्वेश्चन है टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले एक मीटर पर सेकेंड में कितने किलोमीटर पर आर होते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक किलोमीटर पर सेकेंड में कितने किलोमीटर पर आर होते हैं ये फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिखिए, यहाँ पे लिखिए 1 मीटर ओवर सेकेंड, फिर कहिए एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे तो मीटर है, तो एक मीटर में कितने किलोमीटर बने? 1/1000 किलोमीटर बने, या फिर 1 मीटर किसके इक्वल आया? 10^-3 किलोमीटर के इक्वल आया, ठीक है। इस मीटर की जगह पे ये पुट करना है, फिर
वन आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो वन सेकंड में कितने आवर हुए, वो हुए 1/3600 आवर। ये एक सेकंड की जगह पे मैंने ये पुट करना है, तो मेरे पास वैल्यू क्या है, वो है 1 मीटर पर सेकंड। तो भाई मीटर की जगह पे क्या आना है, मीटर की जगह पे आना है 10^-3 किलोमीटर, और उसके बाद सेकंड की जगह पे क्या आना है, उधर आना है 1/3600 आवर। जो चीज डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर में होती है वो न्यूमिनेटर में चली जाती है, ये बन जाएगा 3600 × 10^-3 और 7 किलोमीटर/आवर लिखा होगा, दैट मींस आंसर कितना होगा, आंसर होगा 3.6 किलोमीटर/आवर। ठीक है, क्या बनेगा, सॉरी कितना बनेगा, 3.4, ठीक है 3.6 किलोमीटर/आवर बनेगा। तो 1 मीटर पर सेकंड का मतलब है 3.6 किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो जारी बात है कि ये 3600 मीटर बनता है, तो अगर एक सेकंड में एक मीटर तय करोगे तो 3600 सेकंड में 3600 मीटर तय करोगे, इसी हिसाब से यहाँ पर 3600 मीटर पर आर या 3.6 किलोमीटर/आर आ रहा है। ठीक है, यही मेथड बाकी कन्वर्जन के लिए भी करना है। एग्जांपल उन्होंने दिया कि बताइए 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी किलोमीटर में कितनी, किलोमीटर/आर में कितनी आएगी, तो अगेन मेथड वही है कि आप लिखिए 20 मीटर पर सेकंड, फिर मीटर की जगह पे क्या लिखिए, उसकी जगह पे लिखिए 10^-3 किलोमीटर, और सेकंड की जगह पे क्या लिखिए, वहां पे लिख दीजिए 1/3600 आवर। तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, ये 20 × ये बन जाएगा 20 × 3.6 किलोमीटर/आवर, दैट मींस ये कितना बनेगा, 36 और डबल कर दिया तो 72 किलोमीटर/आवर। इस तरीके से हमने मीटर पर सेकंड से कन्वर्जन कर ली है किलोमीटर/आवर की तरफ। अब अगली बात यह है तो कन्वर्ट किलोमीटर/आवर इंटू मीटर/सेकंड। सो अगर आपसे कहा जाए कि 1 किलोमीटर/आवर में कितने मीटर/सेकंड होते हैं, ये बताइए, तो क्या करना है, आपने लिखना है 1 किलोमीटर/आवर। अब चूंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो अब ये वाली टर्म पुट करनी है, लिखना है सर यहाँ पे, ये बन जाएगा 1 × 10^3 या फिर 1000 मीटर, और आर की जगह पे लिख दोगे 3600 सेकंड। सो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1000/3600 मीटर/सेकंड, या फिर ये बनेगा 1/3.6 मीटर/सेकंड। और इसका सॉल्व करोगे तो आंसर क्या होगा, अच्छा इन्होंने इसे 10/36 ही लिखा, तो भले आप इसे 10/36 मीटर/सेकंड कहो या आप इसे 1/3.6 मीटर/सेकंड कहो, बात एक ही है। अब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर पे लिखिए, जो भी आंसर आता है उतने मीटर पर सेकंड ये जो है इसकी वैल्यू होगी। अब इसी हिसाब से हमने कन्वर्जन करनी है, और क्या बताना है, 50 किलोमीटर/आवर में कितने मीटर/सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 50 किलोमीटर/आवर में कितने मीटर/सेकंड होते हैं, तो क्या तरीका कर रहा है, 50 किलोमीटर/आवर दैट मीन 50 × 1000 मीटर/3600 सेकंड। तो ये कट के क्या बन गए, ये बन गए वही 50 × 10/36 मीटर/सेकंड या फिर 50 × 1/3.6 मीटर/सेकंड। ठीक है, तो आप इसको याद भी कर सकते हो कि जहां पे भी किलोमीटर पर आर आ रहा है उसकी जगह पे 1/3600 3.6 मीटर/सेकंड लिख दें। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो आंसर आया है 1 किलोमीटर/आर का, ये किसके कुल आया, ये 1/3.6 मीटर/सेकंड के कुल आया। तो जहां पे भी किलोमीटर/आर लिखा है आप वहां पे 1/3.6 मीटर/सेकंड पुट कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी याद कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा 13.88 मीटर/सेकंड। इसी हिसाब से उन्होंने कहा है कि एक्सेलरेशन को कन्वर्ट करना हो तो पूछा जाए कि 1 मीटर/सेकंड² में कितने किलोमीटर/आर² होते हैं। तो ये भी काम ऐसे करना है, आप इसे लिख लीजिए 1 मीटर/सेकंड², मीटर की जगह पे लिख दीजिए 1000 मीटर की जगह पे लिख दीजिए 10^-3 किलोमीटर, तो ये बन जाएगा 10^-3 किलोमीटर, और सेकंड की जगह पे क्या लिखेंगे, सेकंड की जगह पे ये टर्म लिखेंगे और ऊपर स्केयर डाल देंगे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/3600² और साथ आप लिख दोगे r का भी स्केयर है। ठीक है, तो ये बनेगा क्या आंसर आएगा इसका, आंसर आएगा 12960। अच्छा, इसको रीडेंज करते हैं,
ये बनेगा 1 × 3600 × 3600 और ये 10^-3 लिखी हुई है साथ, और यूनिट किसमें तब्दील हो गए हैं, वो तब्दील हो गए हैं किलोमीटर पर आर स्क्वायर में। तो ये बनेगा 3600 × 3.6 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा 12960 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी गाड़ी में हर सेकंड में वेलोसिटी चेंज 1 m/s² आ रहा है, तो दैट मींस उसकी एक्सेलरेशन 1 m/s² है, 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 1 है, तो अगले में 2 है, उसके अगले में 3 है, उसके अगले में 4 है। तो इस तरीके से जब 1 घंटा गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, उसमें 12960 किलोमीटर का चेंज आएगा, किलोमीटर पर आर का चेंज आएगा उसकी वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। और इसी हिसाब से जब आपने कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो दूसरा सा कन्वर्जन करनी है, वही तरीका का आ रहा है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर कहा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में 1 km/h की एक्सेलरेशन है, तो आप बताइए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या बनेगी। तो किलो की जगह पे क्या लिखना है, किलो की जगह पे 1000 m लिखना है, आर की जगह पे 3600 s लिखना है, और आपने इस पूरी टर्म का स्क्वायर लेना है। तो ये बन जाएगा 1000/3600 × 3600 m/s². तो इसको सॉल्व करने जो भी आंसर आए 1/3600 × 3.6 m/s² या फिर आप इसे लिख लीजिए 1/12960 m/s², तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे तो आपको इस तरीके से कन्वर्जन मिल जाएगी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो पूछना है, आज हम यहीं तक पढ़ना है। हाँ बच्चों समझ में आया, क्लियर है? यस सर। ओके बच्चों आज के लिए इतना ही था, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।